गुड आफ्टरनून। मैं भी हैरान ही था जब मैंने ये पाइल देखा प्लेस्टेशन 5 का, वो भी समर्स में। मतलब इतनी गर्मी ऑलरेडी है और ये देख के तो अब और ही लग रहा है कि ये बहुत ही ज़्यादा हो चुका है। नहीं, ये कोई स्कैल्पिंग स्टोर नहीं है। मैं यहाँ पे मोस्ट वांटेड पे हूँ अभी, जहाँ पे स्टॉक अपडेट हुआ है प्लेस्टेशन 5 का। एंड इनके पास अराउंड फिलहाल आई थिंक ये 30 जितने बॉक्सेस है। तो मैंने इमीडिएटली पहले उनको यही पूछा कि ये खाली है, तो उन्होंने बोला नहीं ये भरे हुए हैं और ये हमें सेल करने हैं। तो फिर मैंने पूछा कि ठीक है तो कैसे करेंगे इसको, क्योंकि अभी तो ये इजीली अवेलेबल है, हम सबको पता है, लेकिन यहाँ पे क्या स्पेशल है, यहाँ पे क्यों हमें प्लेस्टेशन यहाँ से ख़रीदना चाहिए, क्या क्या बेनिफिट्स है, ये सारी चीज़ें मुझे आज ये वीडियो में कवर करनी है, तो हमें पता चले कि यार हमें यहाँ से लेना है या हमें कहीं और से लेना है। तो इसी चलते पहले एक छोटा सा फिर से एक ओवरव्यू दे देता हूँ एंड फिर हम लोग बात करेंगे होजे भाई के साथ, जो यहाँ के ओनर है, और वो आ गए हैं अब स्क्रीन पे। होजे भाई कैसे हो आप, कैसे हो सबसे पहले तो, एंड कैसे रहे आपके रमज़ान? वेरी गुड। एंड शोरूम प्लान कर रहे हैं। ओके, गुड न्यूज़ है अपने गुजरात के या बड़ौदा के जितने भी गेमर्स हैं। ओके ओके, गुड न्यूज़ देना चाहूँगा, ये प्रीमाइजेस हमने अभी बड़ा खरीदा है जस्ट। ओके, इसको हम लोग एक गेमिंग मॉल में डेवलप करने वाले हैं, एक टीम बेसिस एक्सक्लूसिव शोरूम जो गुजरात में कहीं पे नहीं होगा, तो ऐसा एक्सक्लूसिव शोरूम बनाने का एक ड्रीम है, वो फुलफिल करेंगे। ओके, अभी तो काम चालू नहीं हुआ है, जस्ट अभी जस्ट गोडाउन की सेट में है, मगर आप लोगों के वेल विशेस से वो भी हो जाएगा, पूरा हो जाएगा। नहीं नहीं, हो ही जाएगा डेफिनेटली। तो उदय भाई एक्चुअली आपको भी अभी काफ़ी रश मैंने देखा अभी स्टोर में, हम लोग एक विजिट लेंगे वहाँ पे, समर का टाइम है अभी, स्टॉक की जगह नहीं है, छोटी पड़ रही है और फ्यूचर प्लानिंग के लिए कुछ बड़ा सोचना पड़ेगा, इसलिए हम लोग प्लान कर रहे हैं अभी। डन। तो अभी है ना, बस मुझे दो तीन चीज़ें पूछनी थी, सबसे पहले तो PS5 को लेके। PS5 में फ़िलहाल हमारे यहाँ पे तीन चीज़ें हैं, कितना स्टॉक मिलेगा, कब मिलेगा और कैसे मिलेगा। PS5 में अभी स्टॉक्स तो कंपनी ने काफ़ी दिया है, दिया ये हमारे पहले के जो सेल्स टर्नओवर था कंपनी के साथ, रिलेशन बिल्ड किया था, उस हिसाब से हमको ये स्टॉक अलॉट होता है। ओके, हर एक को इतना स्टॉक नहीं मिलता है। ओके, अलग अलग आप देखेंगे तो सोनी सेंटर इतने बड़े शॉप है सोनी के, उनके पास भी इतना स्टॉक नहीं होगा। ओके, क्योंकि हमारा सेल्स काफी बड़ा है और हम लोग ऑफर्स काफी दे रहे हैं। और दूसरी बात, खाली सेल्स से काम नहीं चलता है, सेल्स के साथ सपोर्ट बहुत जरूरी है, जो कि ऑब्वियसली मोस्ट वांटेड गेम्स से हर किसी को मिलता है PS5 के लिए। तो सेल्स एंड सपोर्ट्स के वजह से हमको इतना स्टॉक अलॉट हुआ है। ओके, और बेटर देन यानी लोकल सपोर्ट मिलेगा आपको, PS5 खरीदते हो तो लोकल सपोर्ट काफी इम्पोर्टेंट है, कैसे चालू करना है, कैसे बंद करना है, क्या उसका गेम्स कैसे खेलनी है, अकाउंट्स कैसे, वो सब कोई ऑनलाइन आप खरीदेंगे तो आपको मिलेगा नहीं, जो आपको मोस्ट वांटेड से मिल जाएगा आपको। ओके, और एक्सक्लूसिव गेम्स नए नए आते हैं, उस पर ऑफर्स होते हैं। इसके अलावा जो ऑनलाइन और लोकल में काफी वास्ट डिफरेंस है, ऑनलाइन सिर्फ डिस्काउंट मिलता है आपको, क्रेडिट कार्ड डेबिट कार्ड, हाँ आजकल वो चल ही रहा है, काफी फ्रॉड भी होता है, PS5 की जगह पे कुछ दूसरा भी निकलता है, काफी फ्रॉड वगैरह ऑनलाइन सेल में चलता है, यहाँ पे ऐसी कोई फ्रॉड की तो कोई मैटर ही नहीं है। ओके, ट्रस्ट करके आप फिजिकली चेक करके ले जा सकते हो, उसके ऊपर आपको लोकल सपोर्ट मिलता है, लोकल वारंटी, लोकल बिल मिलता है आपको, GST इनवॉइसेस काफी कोर रिक्वायरमेंट होती है, वो GST इनवॉइस मिलता है आपको। ओके, उसके अलावा हम लोग लोकल बड़ौदा के जो भी कंज्यूमर्स या कस्टमर्स हैं हमारे, ओके, उसके लिए एक स्पेशली वैकेशन ऑफर हमने प्लान किया हुआ है। ओके, जिसमें क्या है, प्लेस्टेशन 5 खरीदने के बाद किसी के पास बजट नहीं होता है कि एक्स्ट्रा 4-5 गेम खरीदे। ओके, तो हम लोग उनको स्पेशली उनके जो स्पेशलाइज गेम्स है जैसे गॉड ऑफ वॉर, डेड आइलैंड, WWF, हॉगवार्ट्स, रेसिडेंट एविल, ये सब काफी उसके पॉपुलर गेम्स है, एक अच्छे टाइटल्स हैं, पॉपुलर गेम्स हम लोग उनको फ्री में खेलने के लिए देंगे। ओके, ये तो अच्छा है।
तो उससे क्या बजेटिंग भी थोड़ा अच्छा सा हो सकेगा ओके, और ज्यादा पैसे भी नहीं लगेंगे और उनका गेम्स का खेलने का जो एक ये है वो भी फुलफिल हो जाएगा। तो गाइस खाली मैं आपको बता देता हूँ कि ये सारे टाइटल्स जो है ना ये ऑलमोस्ट मैं सारे खेल चुका हूँ और मुझे पता है कि प्ले स्टेशन में पर टाइटल का कॉस्ट नहीं से नहीं तो 4 या 5 हज़ार रुपये होता ही होता है। ये सारे नए टाइटल्स हैं, कोई भी पुराने टाइटल नहीं है सिवाय लास्ट ऑफ अस पार्ट 2 और रेड डेड, बाकी सारे टाइटल्स ये नए हैं यहाँ पे। तो ये बहुत अच्छी चीज़ है, काफ़ी लोगों को PS4 के एक्सक्लूसिव टाइटल्स भी खेलने के लिए चाहिए होता है, तो हम लोग वो भी प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, तो नहीं हम लोग ऐसा वर्कआउट करेंगे लोकल कंज्यूमर बड़ौदा के कस्टमर होंगे तो उनको 4 गेम हम लोग हमारी तरफ से फ्री में देंगे, प्रोवाइड करेंगे। तो ये रहा अपना पहला ऑफर। तो सबसे पहले ऑनलाइन में 1200-1500 रुपए का डिस्काउंट मिलता है, उसकी जगह पे आप ऐसा समझो कि आपको उससे ज्यादा 1000 का डिस्काउंट जो मिल आपके पैसे आपके सेव हो जाते हैं। डन, तो ये अपना पहला डिस्काउंट ये रहा। उसके अलावा PS5 इतना एक्सपेंसिव कंसोल है, एक लाइफ टाइम कंसोल है, बार बार नहीं खरीदते, उसका जो कंट्रोलर वगैरह आते हैं वो भी काफी एक्सपेंसिव होता है, उसको भी टेक केयर की जरूरत पड़ती है, जैसे मोबाइल में अपने कवर वगैरह से प्रोटेक्ट करते हैं, जैसे PS4 की एसेसरीज है। हम लोग ऐसा भी वर्कआउट कर रहे हैं कि मई में जितने भी ऑर्डर्स होंगे उनको हम लोग वो भी विदाउट एनी चार्ज एज ए कॉम्प्लीमेंट्री फ्रॉम मोस्ट वांटेड प्रोवाइड करेंगे। ओके, तो थोड़े बहुत एक्सेसरीज भी जैसे थंब ग्रिप हो गया हो, कवर हो गया, सिलिकॉन कवर्स हो गया, इंपोर्टेड कवर्स है हमारे, वो भी आने वाले ऑन गोइंग है, दुबई से आने वाले हैं, ओके, वो भी हम लोग प्रोवाइड करेंगे साथ में। तो ये तो बहुत अच्छी चीज़ है। और दूसरा ये था कि ठीक है मेरे जो व्यूअर्स है वो वड़ोदरा के भी है, मेरे इन एंड अराउंड गुजर आएंगे, हाँ उनको ये ऑफर मिलेगा। डन, मतलब अच्छा, मतलब अंकलेश्वर से कोई आ रहा है या फिर कोई भरूच से आ रहा है, क्योंकि ये सब जगह से आते हैं लोग, आते हैं काफी आते हैं, अभी ये वीक में कम से कम 4-5 कस्टमर आए, तो उनको भी ये PS4 भी लेके गए हैं, PS5 हाँ, तो ये उनको भी मिलेगा। और दूसरा हाँ, ये PS5 अभी खरीदना बहुत ज्यादा अच्छा है, ओके, ऑफर्स हम लोग यानी कंपनी भी ऐसा प्लानिंग में है कि उनको ज्यादा यूनिट्स से तो ये कंटिन्यू रहेगा, मैंने 15 तारीख सुना था, मगर अभी सोच रहे कि 31 मई तक रहेगा, 5000 ग्रैब कर सकते हो। अच्छा, उसके बाद ये लोग बढ़ा देंगे, बाद आपको ये हमारा जो मोस्ट वांटेड का ऑफर भी मिलता है, उसके अलावा आपको मई में आप प्लानिंग करेंगे तो आपको ये एसेसरीज का एक पैक भी मिलेगा हमारी तरफ से, तो एक काफी अच्छा मौका है PS5 खरीदने के लिए। और दूसरा, आपके पास अगर बैकलॉड कंसोल है, ओके, PS3 है, PS4 है सेकंड, हाँ, तो हमारे पास सबसे बेस्ट उसका बायबैक ऑफर अवेलेबल है। अरे वो तो बहुत ही बढ़िया है फिर तो, क्योंकि किसी का PS3 है, ओके, अभी PS3 होगा तो ऑब्वियसली वो रखेगा नहीं, नहीं, नहीं। बायबैक करेगा तो हाँ, उसको बायबैक करेंगे। आपके पास PS4 है, आप लेके आओ, यहाँ पे वैल्यू हो जाएगा, परफेक्ट वैल्यू होगा, ओके, और जो भी वैल्यू होगा उस पर 1000 रुपीज एक्स्ट्रा बोनस मोस्ट वांटेड की तरफ से। यानी कोई PS4 है उसका बायबैक वैल्यू 12000 होता है या 14000 होता है, तो 14000 की जगह पे 15000 रुपए बायबैक वैल्यू गिना जाएगा, ओके, उनको 35000 ही पे करना है। यानी आप ऐसा अभी बोल रहे हो कि मैंने गलती कर दी जो सबसे पहले मैं लेके गया, हाँ, उस टाइम पे कितना हाइप था, नहीं नहीं ठीक है, नहीं ये बहुत ही अच्छा हाइप है। और अभी ये समर वेकेशन ऑफर है, हाँ, यानी सेल्स प्रमोशन काफी है, ओके, पहले हम लोग आई थिंक सोनी की तरफ से भी सपोर्ट भी ज्यादा मिल रहा है आपको, भी काफी है, पहले दिन का एक PS5 बिकता था, हाँ, हमारे यहाँ पे डेली कम से कम 3-4 यूनिट 4-5 यूनिट बिक जाता है डेली। तो ये स्टॉक मतलब आप कब तक, ये स्टॉक दूसरा भी आने वाला है, अच्छा और आएगा ना, मतलब ये रोटेटिंग है, मे का टेंशन नहीं है अभी, मे तक आप PS5 कर सकते हो तो कर लो, या परचेस का प्लान कर रहे हो तो मे में कर लो। डन, ये सबसे बेस्ट मंथ है PS5 खरीदने के लिए। डन, और इसके अलावा भी मेरे पास काफ़ी सारे यूजर्स आते हैं जो PS4 की डिमांड करते हैं, क्योंकि कुछ लोग को ऐसा होता है कि हम नहीं अभी PS4 फिलहाल ले लेते हैं, या फिर PS4 भी हमने प्रोवाइड किया है, तो हाँ, तो अभी यहाँ पे भी नया न्यू ब्रांड न्यू यूनिट अवेलेबल है ना अपने पास। ठीक है, डन, तो थैंक यू उदय भाई, आपने फिर से काफ़ी सारा अच्छा ऑफर बता दिया, एंड मैं जितना हो सके ये वीडियो को जितना हो सके इतना आगे प्रमोट करेंगे, बिकॉज आई थिंक इसमें सही में मुझे फील हो रहा है कि कस्टमर का बहुत ही फायदा है, वो जितना पे कर रहा है उसके एटलीस्ट हाफ प्राइस तो आप उसको गेम्स के थ्रू ही दे रहे हो। भी हो गया तो हम लोग, मैं मोस्ट वेलकम, आनंद नडियाद से आते हो, आप कॉल करके आओ, नहीं मैं सारी डिटेल्स तो मेंशन कर ही दूंगा यहाँ पे। तो गाइज ये था अपना एक छोटा सा वीडियो और एक अपडेट था PS5 का, इनकी तरफ से मैं खाली एक छोटा सा ग्राउंड ले लेता हूँ और भी, एंड ये सारी गेम्स मुझे खुद को सही में पता है कि बहुत महंगी है, मैंने ये तीनों प्लैटिनम किया हुआ है, ये मैंने नहीं छुआ इस साल,
ये मैंने प्लैटिनम किया है, ये मैंने नहीं खेली है, तो मुझे पता है कि इसका कॉस्ट बहुत ज़्यादा होता है इसको अफोर्ड करने का। सेविंग्स करते हैं तो कर पाते हैं, लेकिन कुछ लोग है ना कर पाए, तो ये सही टाइम है जैसा उन्होंने बोला था कि मुझे भी अब यही लग रहा है कि सही टाइम है कि आप PS5 खरीदो। अच्छे ऑफर्स है, MRP पे आपको डिस्काउंट भी मिल रहा है, प्लस आपको गेम्स भी मिल रही है। तो होपफुली देखते हैं कि ये वीडियो कहाँ तक जाता है। एंड कुछ भी क्वेरी हो तो कमेंट सेक्शन पे इनका एड्रेस मैं दे दूंगा, इनका फ़ोन नंबर मैं दे दूंगा, आप कमेंट करना मुझे, मैं तुरंत ही आपको रिप्लाई करूंगा। अगर आप इनके स्टोर तक पहुंच नहीं पाते हो तो मैं इंश्योर करूंगा कि आप इनके स्टोर तक पहुंच पाओ। ठीक है, थैंक यू गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग।